बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज हम बकरीद स्पेशल गरम मसाला बनाएंगे, बहुत ही खुशबूदार। सबसे पहले एक चम्मच बड़ी इलायची लेंगे और एक चम्मच साबित काली मिर्च और एक चम्मच सब्ज़ इलायची और एक चम्मच जावित्री और दो जायफल और तीन दालचीनी का टुकड़ा, ये देखें, और तीन तेज़पत्ता। इसे इस तरह से तोड़ लेंगे ताकि भुनने में आसानी हो। और चार बादियान के फूल और एक चम्मच लौंग और दो चम्मच साबित धनिया और डेढ़ चम्मच साबित ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा देखें। इन सबको अब भून लेंगे हम हल्की आंच पे, बहुत ज़्यादा नहीं भुनेंगे, हल्का सा भुनेंगे। जब इसमें से हल्की सी खुशबू आने लग जाए, भीनी भीनी सी, फिर इसे निकाल लेंगे। आप इस तरह से मसाला बनाकर रख लें अपने किचन में, बकरीद आने वाला है, फिर इसमें आप बनाएं, बिरयानी बनाएं, गोश्त बनाएं, कबाब बनाएं, खाएं मज़े लेकर। घर के बने हुए मसाले का जायका ही अलग होता है। अब इसे हल्का सा भुनेंगे। ये देखिए, ये भुन चुका है, हल्की हल्की खुशबू आने लगी है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब ये तेज़पत्ता, दालचीनी और बादियान के फूल, जावित्री, ये सब एक दफ़ा मिक्सर में डाल के पीस लेंगे। ये देखिए, इस तरह से तोड़कर। ये सब जितने बड़े बड़े से हैं सब एक दफ़ा पीसेंगे ताकि आसानी से पीस जाए। ये सारे को अच्छे से पाउडर बना लेंगे। आप इस तरह से बनाकर अपने किचन में रख लें मसाला, जब भी बिरयानी पकाना हो, गोश्त पकाना हो, कबाब, किसी भी चीज़ में ये डालें, बहुत ही मज़े का होता है, बहुत खुशबू इसकी अच्छी होती है, घर का बना हुआ गरम मसाला। ये देखिए, ये पाउडर हो चुका है। अब इसे एक प्याले में निकाल लेंगे और बाकी का भी इसी तरह से पीस लेंगे। इसे भी अच्छी तरह से पाउडर बना लेंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाना ना भूलें। ये देखिए, ये भी पिस चुका है। ये देखिए, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। इस तरह से गरम मसाला बनाएं, अच्छे अच्छे डिश बनाएं, खाएं, घर वालों को खिलाएं, खुश रहें, आबाद रहें। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। ये देखें, गरम मसाला तैयार है बिरयानी के लिए। अल्लाह हाफिज़।